शिखर भी दिखाई, क्योंकि भारत में हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा लगाने का काम, संघर्ष एक दूसरे में लगाने का काम दोनों तरफ से भी होते रहता है। लेकिन अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का भारत अगर हमें खड़ा करना है, वो हिंदू मुसलमानों में दोस्ती होनी चाहिए, हिंदू मुसलमानों में एकता होनी चाहिए। और इसीलिए हमारे सूर्या टीवी के हमारे रिपोर्टर है, हमारे मित्र है इरफान शेख जी, और आज यहाँ आचार्य शैलेश तिवारी जी यहाँ मौजूद है, हमेशा भूमिका देश की एकता की रखते हैं। जहां जाए वो जाते हैं, वो जरूर हिंदू है लेकिन आचार्य जी भारतीय है, और हमारा धर्म अलग अलग हो सकता है लेकिन देश तो अपना एक ही है। इसलिए आपस में विवाद तो होते रहते, विवाद तो पति पत्नी में विवाद होता है, भाई भाई में विवाद होता है, पिताजी के साथ विवाद होता है, कभी माता जी के साथ विवाद होता है। उसी तरह हिंदू मुसलमानों में भी कभी कभी विवाद होता है, रोज विवाद नहीं होता है। तो इरफान भाई जो है ये मतलब इन्होंने ये किताब लिखी है, और आज के इस प्रोग्राम में सुदेश वर्मा जी जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, और उसके साथ साथ मोहम्मद आजाद जी है, सूर्या समाचार के प्रमुख है, और आप सब लोग यहां उपस्थित लाए हैं। तो जब ये किताब लिखी, हिंदू मुसलमानों में चित्र एक होना चाहिए, हिंदू मुसलमानों में विवाद ठीक नहीं है। मैं तो बहुत बार बताता हूं कि अगर मुगल यहां नहीं आते थे तो यहां कोई मुसलमान नहीं होता था। मुगल कई साल तक यहां राज करते रहे और यहां के हिंदू लोग भी मुसलमान बन गए। अंग्रेज यहां व्यापार करने के लिए आए, यहां से उन्होंने दो चार पांच साल में निकल जाना चाहिए था, लेकिन भारत में व्यापार करना उनको बहुत अच्छा लगा, और व्यापार करते करते उन्होंने राज करना तय किया। उन्होंने देखा कि यहां जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर एक दूसरे में विवाद है, और ये आपस के झगड़े का फायदा लेकर आप भारत पर अधिसत्ता स्थापित कर सकते हैं, भारत में राज कर सकते हैं। और अंग्रेजों ने एक साल नहीं, दो साल नहीं, 150 साल तक राज किया। कांग्रेस ने 60 साल राज किया, नरेंद्र मोदी जी का 4.5 साल राज हो गया है, अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल मेरा दिन रहे, यूपी सिंह कुछ टाइम पर रहे, चंद्रशेखर कुछ दिन तक रहे, मनमोहन सिंह जी 10 साल तक रहे, नरसिंह राव जी कुछ साल तक रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कई साल तक रहे, इंदिरा गांधी जी कई साल तक प्रधानमंत्री रही, मोरारजी देसाई कुछ साल तक प्रधानमंत्री रहे। तो देश में मतलब कुछ ही साल हमारे लोगों ने राज किया, लेकिन अंग्रेज लोगों ने 150 साल, 150 साल। तो अंग्रेजों ने यहां राज किया 150 साल, तो हमारा क्या हुआ होगा हाल? तो 150 साल करें तो उनको इतने मसाले अच्छे लगेंगे, मसाले का व्यापार करने के लिए। जब अंग्रेज निकले थे पानी के जहाज से, भारत आने के लिए निकले पानी के जहाज से, क्योंकि
भारत में अरेबियन सी है, हिंदी महासागर है और बंगाल का सागर भी है। तो जिस तरह आप लोग उधर कन्याकुमारी जाते हैं तो वह तीन समुद्रों का संगम है, वह तीन समुद्र का संगम है, पानी का संगम होता है, तो धर्म का जो संगम होता है, पानी एक दूसरे में मिलता है तो आप क्यों नहीं मिलते हैं? तीन समुद्र का पानी एक साथ मिला हुआ है कन्याकुमारी, पानी एक दूसरे में मिक्स होता है तो आप लोगों ने भी एक दूसरे में मिक्स होना चाहिए। वहां की बात जो बंगाल का उपसागर का पानी है, अरे